हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था, मेरी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी। मुझे बहुत डिजीनेस हो रही थी, बहुत वीकनेस फील हो रही थी, जैसा हमें वायरल फीवर के बाद फील होता है वैसा कुछ फील हो रहा था। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग्स वगैरह नहीं बना पाई इस वीकेंड। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर। तो मैंने सोचा चलो आज कैमरा उठाते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। तो आज है सैटरडे, सो वेलकम टू द वीकेंड ब्लॉग, और होप करती हूँ आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। मैं अभी आपको ना अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। कुछ प्लांट्स मेरे डाई हो गए हैं क्योंकि एक दो दिन से मैं इनकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाई, और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी जिस वजह से प्लांट्स मेरे थोड़े से ख़राब हो गए हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरा मनी प्लांट ग्रो करने लग गया है, इसके रूट्स फॉर्म हो गए हैं और एक न्यू लीफ आ गई है, तो मनी प्लांट अब बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। और ये प्लांट मेरा ठीक है, एंड आई गेस मैरीगोल्ड का अब सीजन चला गया है। प्लांट तो काफ़ी ग्रीन दिख रहा है बट फ्लावर्स नहीं है अब। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैरीगोल्ड का अब सीज़न चला गया है क्या। और ये देखिए, मेरा मिंट है, काफ़ी लंबा ग्रो कर रहा था इसीलिए मैंने एक स्टिक लगा के इसको ऐसे बांध दिया है जिससे कि ये सीधा ग्रो कर पाए, क्योंकि लटक गया था ये पूरा। और ये एक फ्लावर प्लांट है जिसका मुझे नाम नहीं पता है, तो ये भी ठीक है। और ये है मेरा बनाना पेपर का प्लांट, अभी तक मैंने अपनी बनाना पेपर इससे तोड़ी नहीं है क्योंकि मुझे देखने में इसे ना लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा कोरिएंडर लीव्स का प्लांट है, बहुत छोटे छोटे पत्ते थे इसके अंदर, बट अभी दो तीन दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिसकी वजह से ये पूरा प्लांट मेरा ख़राब हो गया और पूरा डाई आउट हो गया। आप लोगों ने सैटरडे ब्रेकफास्ट में क्या बनाया मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। आज मैं गोभी के पराठे बनाने जा रही हूँ क्योंकि अंशुल को गोभी के पराठे बहुत पसंद है और मेरे गोभी के पराठे ना बहुत बेकार बनते हैं, मुझे बनाने नहीं आते, मेरे फट जाते थे गोभी के पराठे। और जब भी मुझे खाने का मन होता था ना तो मुझे अपनी मम्मी की बड़ी याद आती थी। मेरी मम्मी और दादी दोनों ही बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं। मेरी दादी टू लेयर वाले पराठे बनाती थी, जैसे दो रोटी पतली पतली बना के उसके बीच में स्टफिंग फिल करना, और मेरी मम्मी सिंगल लेयर वाले लाइक एक रोटी बेल के ही उसके अंदर स्टफ करके और फिर उसको पूरा बेलना, वैसे वाले गोभी के पराठे बनाती हैं। तो दोनों ही बहुत अमेजिंग बनते थे। बट मैंने ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे खुद ही से, और अब मेरे गोभी के पराठे अच्छे बनते हैं। तो आज मैं वो छोटे छोटे ट्रिक्स आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, और आज मेरा काइंड ऑफ लाइव टेस्ट है, देखते हैं कि मेरे आज गोभी के पराठे कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीब आधी गोभी के फ्लोरेट्स निकाल लिए हैं, उन्हें अच्छे से वॉश करके पैट ड्राई करा है टिश्यू पेपर से जिससे कि इसमें एक्सेस पानी ना रहे। और अब अपने ग्रेटर के पतले वाले साइड से इसे मैं ग्रेट करूँगी जिससे कि इसके मोटे मोटे दाने ना आए। अगर मोटे दाने आएंगे तो फिर आपका पराठा फटेगा, इसलिए जितना हो सके इसे पतला पतला आप ग्रेट करें। और थोड़ा सा ये प्रोसीजर टफ होता है क्योंकि ध्यान से आपको करना होता है, अदरवाइज आपका हाथ भी ग्रेट होने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि केयरफुली आप इसे ग्रेट करें। और ग्रेट होने के बाद गोभी का जो एक्सेस पानी है उसे मैं निचोड़ दूंगी, बहुत ज़्यादा आप ना निचोड़ें अदरवाइज़ फिर गोभी का टेस्ट ही चला जाएगा। तो थोड़ा सा ही बस निचोड़ूंगी जिससे कि जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। और आप चाहें तो ये पानी से आटा भी बना सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी आटा बना लिया है तो अब ये पानी वेस्ट ही होगा, अदरवाइज़ गोभी का जो बचा हुआ फ्लेवर होता है वो आटे में आ जाएगा। और मैंने जो स्क्वीज्ड गोभी है उसे मैंने साइड में ही रख दिया है, उसमें सारे मसाले मैं बाद में मिलाऊंगी जब मैं बिल्कुल रेडी होंगी फिल करने के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ छोटी छोटी रोटियाँ। मैंने यहाँ पे देखिए एक लोई बिल्कुल जैसे हम पूरी का साइज़ बनाते हैं उसी साइज़ की ली है, और बहुत पतली पतली छोटी छोटी रोटियाँ मैं बेल के रख लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे फिल करूँगी। तो मैं आज डबल लेयर वाले पराठे बना रही हूँ, तो अगर आप जैसे सपोज़ करें चार पराठे बना रहे हैं तो आप आठ लोई पतली पतली बेल कर इस तरीके से रख लें और उसके बाद फिलिंग रेडी करें। और वीकेंड पे अंशुल भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कराते हैं तो हमारा ये काफ़ी अच्छा फन टाइम होता है जब हम लोग मिल के बातें करते करते अपना खाना बना रहे होते हैं, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है। तो काफ़ी इन्जॉय करती हूँ मैं अपना वीकेंड का ये टाइम। और मैंने अपनी रोटियाँ सब बना के रख ली हैं, तो अब बनाते हैं फिलिंग। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर डाला है,
ग्रीन चिली, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है। अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करते ही गोभी फिर से पानी छोड़ना स्टार्ट करती है, तो ध्यान रखें कि आप फिलिंग फटाफट बनाएं और फटाफट फिल करना स्टार्ट करें। और इसमें जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं डालती हूँ जिसकी वजह से जो गोभी के पराठे हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटते, वो है कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर एक्सेस पानी फिलिंग का सुखा लेता है। और इसमें मैंने जस्ट अ पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड किया है और थोड़ी सी अजवाइन। और बस फिलिंग को मिक्स करते ही आप फटाफट से पराठों को बनाना स्टार्ट करिएगा। और ध्यान रखिएगा कि एक एक पराठा बनाएं और एक एक पराठे को आप सेकते जाएं, उससे आपके पराठे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो देखिए मैंने रोटी सब बना कर रखी है, अब मैं फिलिंग को भरूंगी बस। और ध्यान रखिएगा कि फिलिंग आप ऑप्टिमम रखें, ना ज़्यादा रखें ना कम रखें। अगर आप कम रखेंगे तो जो फिल्ड पराठे होते हैं उसमें आटे का टेस्ट आएगा और फिर वो आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं देगा स्टफ पराठों का। और अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो आपके पराठे फट जाएंगे। तो मैंने एक पराठे में अराउंड 2.5 टेबल स्पून के अराउंड फिलिंग ऐड की है। और अच्छे से इसे चारों तरफ से सील करके दूसरी रोटी से इसको मैं बहुत ही हल्के हाथ से बेलूंगी, थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर। बहुत ही हल्के हाथ से आपको बेलना है, अगर आप ज़रा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो आपकी फिलिंग बाहर आ जाएगी और आपका पराठा फट जाएगा। तो देखिए मैं एक एक पराठा बना रही हूँ और एक एक पराठा अभी मेरे हस्बैंड सेकते जाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल बिना फटा हुआ मेरा पराठा रेडी हुआ है। और डेमो पर्पस के लिए मैंने एक और क्लिप आप लोगों के लिए डाली है। तो बस कुछ इसी तरीके से हमने अपने सारे पराठे बेले और अभी मेरे हस्बैंड सब पराठे सेक रहे हैं थोड़ा थोड़ा घी लगा के। ये पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, आप इसमें थोड़ा सा घी लगा के इन्हें सेकें और थोड़ा सा करारा होने तक सेकें, क्योंकि इसमें गोभी जो है वो कच्ची है, तो जब ये करारा हो जाता है तो अंदर से गोभी भी स्टीम से पकती है और उसका फिर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेरे हस्बैंड पराठे बहुत अच्छे सेकते हैं इसीलिए सेकने वाला काम वही करते हैं। और ये देखिए हमारे पराठे एकदम गर्मा गर्म बन के तैयार हो गए हैं और यहाँ पर गर्मा गर्म चाय भी रेडी है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती, वीकडेज में तो कभी भी नहीं पीती अकेले जब मैं होती हूँ। वीकेंड पे हस्बैंड के साथ पराठे एंजॉय करते हुए और कुछ मूवी वगैरह हम लोग लगा लेते हैं, तो देखते हुए चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया और आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करते हैं। मेरे नेल्स बहुत ख़राब हो रहे थे तो सोचा कि नेल्स को थोड़ा सा शेप वगैरह देती हूँ, नेल पेंट लगाती हूँ। मैं यहाँ पे कभी भी नेल सैलून नहीं जाती नेल्स कराने, आर्टिफिशियल नेल्स, जेल नेल्स यहाँ पे बहुत फैशन में रहते हैं। और अब जिस भी लेडी को देखोगे इनके सुंदर सुंदर नेल्स होते हैं, बड़े बड़े विद सच अ ब्यूटिफुल नेल पॉलिश, बट मैं कभी नहीं कराती क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने सोचा चलो घर में ही थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर लेती हूँ। और ये दो फ्लोरोसेंट कलर्स हैं जो आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ। मैं हमेशा नेल पेंट के डबल कोट लगाती हूँ जिससे कि वाइट कास्ट ना रहे नेल्स पर और थोड़ा सा उभर कर कलर आता है फिर। तो आज मैं दो कलर्स अल्टरनेट करके लगा रही हूँ, ऐसा यू नो कुछ कुछ अलग अलग करने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये नेल पेंट। देखिए इस तरीके से लग रहा है, ये बहुत सुंदर नहीं है मेरे नेल्स बड़े बड़े, मैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करती क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे बेटे को ना लग जाए। हेलो एवरीवन, आज संडे है और मैं आपसे ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद मिल रही हूँ। अभी आफ्टरनून का 4:30 हुआ है और मैं अभी जस्ट अपना मेल बॉक्स चेक कर रही थी और आप लोगों के कमेंट्स चेक कर रही थी। एंड आई केम टू नो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी तरह ही यहाँ पर शादी करके आए हैं और उनको यहाँ पर बहुत अकेलापन लगता है। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनका बहुत टफ फेज यहाँ पर चल रहा है फैमिली वाइज, मॉनिटरी वाइज। तो आई वुड से कि जस्ट हैंग ऑन टू दैट सिचुएशन। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैं यहाँ आई थी मैं एक भरे पूरे परिवार से आई थी, मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे दो दो चाचा हैं, बहुत सारे कजन्स हैं, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। और जब मैं यहाँ आई तो एकदम से मैं बहुत अकेली हो गई थी, प्लस उस टाइम पर अंशुल की PhD का बहुत क्रूशल फेज चल रहा था तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता था मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। तो
जब तक गोविंद नहीं था तो मैं बिल्कुल अकेली थी, बट जब गोविंद हो गया फिर उसके काम हो गए तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गई, बट एट लास्ट गोविंद और मैं सारा दिन घर में अकेले रहते थे, तो बहुत होम अरेस्ट वाली फीलिंग होती थी और कभी कभी बहुत बुरा लगता था कि यार व्हाट एम आई डूइंग हेयर, मैं कुछ और कर सकती थी, कुछ बेटर कर सकती थी, एंड मैं भी बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। आई वॉज नॉट दैट हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन एवरी टाइम, तो मेरे भी डाउन फेजेस आते हैं आई वुड से, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि जस्ट हैंग ऑन टू दैट सिचुएशन। जब ये सिचुएशन पास ऑन होगी, जब आपका एक अच्छा टाइम आएगा, तो यू विल रियली चेरिश इट। शायद भगवान हमें टफ टाइम देता ही इसलिए जिससे कि हम अच्छे टाइम को इन्जॉय कर पाएँ, उसकी इम्पॉर्टेंस समझ पाएँ। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको पता मतलब दिखेगा कि उसमें हमारा घर बहुत छोटा था, बिल्कुल बेसिक एमिनिटीज़ थी, इतनी अच्छी सराउंडिंग्स नहीं थी और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे ट्यूसॉन में। लाइक यहाँ तो बहुत फ्रीक्वेंटली हम गेट टुगेदर करते हैं, इंडियन फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं था। हम लोग बहुत अकेले थे और जो फ्रेंड्स भी थे वो भी PhD कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो भी बहुत बिजी रहते थे, तो बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स नहीं हो पाते थे। बट यू नो वो टाइम भी पास हुआ और फिर अब अच्छा टाइम भी आया जब हमारे पास अच्छा घर है, आप देखते हो अब ब्लॉग्स में सारी एमिनिटीज़ है, सराउंडिंग्स कितनी अच्छी हैं, अब अंशुल को भी काफ़ी टाइम मिलता है हम लोगों के साथ स्पेंड करने का एज अ फैमिली। तो वो टाइम भी पास हुआ, ये टाइम भी पास होगा। हर इंसान की लाइफ में टफ टाइम भी आता है और अच्छा टाइम भी आता है, जस्ट बी स्ट्रांग इन योर टफ टाइम। अगर आप अपने टफ टाइम को एक स्ट्रांग पर्सन की तरह हैंडल करके उससे बाहर निकलेंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप क्या क्या हैंडल कर सकते हैं एक्चुअली। और जिन लोगों के हस्बैंड्स अभी PhD कर रहे हैं या टफ फेज से गुजर रहे हैं अपनी जॉब वगैरह में, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर फॉर योर स्पाउस। आपके स्ट्रेंथ की उन्हें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस दिन आपके हस्बैंड को PhD डिग्री मिलेगी ना, आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप शायद मेरा एक्सपीरियंस मेरे हस्बैंड के ग्रेजुएशन डे वीडियो से देख सकते हैं। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड आई फेल्ट सच एन एकम्प्लिश्ड वाइफ कि मुझे ऐसा लगा कि यार येस दिस इज वॉट आई मैरिड माई हस्बैंड, आई डिडंट मैरी अ सेटल्ड मैन। हमने साथ में मिल के सब कुछ बनाया है जो बनाया है। सो आपको बहुत एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी। आई वुड से कि स्ट्रांग रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जो लोग अकेला फील करते हैं यहाँ पे, उनके लिए मेरे पास एक ही सजेशन है कि आप अपने आप को किसी काम में एंगेज करिए, बुक रीडिंग या फिर आपको अगर पेंटिंग पसंद है तो वो करिए, कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। अदरवाइज़ अगर आप अकेला अकेला फील करते रहेंगे वो चीज़ ना, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए, क्योंकि अकेला रहना भी एक बहुत बड़ा टफ जॉब है। तो आई वुड से कि एंगेज करिए अपने आप को किसी भी काम में। और जो गलती मैंने की थी कि ड्राइविंग मैंने इनिशियली नहीं सीखी थी, वो आप मत करिए, ड्राइव करना सीख लीजिए, उससे आपको होम अरेस्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप बाहर जा सकते हैं, लाइब्रेरी अगर आपको पसंद है बुक रीड करना तो लाइब्रेरी जा सकते हैं, और आप नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर पर ही जाएंगे, चार लोगों का फेस देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगना फील शुरू हो जाएगा। तो आई वुड से ड्राइविंग इज़ मस्ट, आप ड्राइविंग ज़रूर सीख लीजिए एंड ये टफ टाइम ज़रूर आप लोगों का पास हो जाएगा। और आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड। अगर कोई भी बात है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम लोग प्राइवेटली बात करें तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DMs कर सकते हैं, आई एम वेरी एक्टिव देयर। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के ब्लॉग को मैं ख़त्म करती हूँ। इसी तरीके से आप मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और इस टफ फेज में स्ट्रांग बने रहिए, क्योंकि अगर आप टफ फेस को एक स्ट्रांग पर्सन की तरह हैंडल करके ले गए ना, तो जब अच्छा टाइम आएगा ना, तो आपको लगेगा कि यार लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है एक्चुअली में, आप उसे बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड बाय।